तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया है कि आज किस टाइप का स्टेटस हम तैयार करेंगे, वो लिरिक्स वाला। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लिया था मैंने एक पिक्चर गूगल से ही, ये वाला। तो उसके बाद हम जाएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद हम एक सॉन्ग सर्च करेंगे अरिजीत का, और हम सर्च कर लेंगे अरिजीत सिंह फीलिंग स्टेटस। तो अरिजीत सिंह फीलिंग स्टेटस, तो उसके बाद सर्च कर लेंगे और देखते हैं कौन सी अच्छा है। ये वाला नहीं गाइस, और एक दूसरा देखते हैं। ये वाला भी नहीं, और एक हाँ ये ठीक है, इसको ही कर लेता हूँ डाउनलोड। तो हमारा फिलहाल डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हम क्रोम में आ चुके हैं और वहाँ पर लिख दे वो सॉन्ग, उसके बाद लिरिक्स लिख दिया है। तो देखते हाँ लिरिक्स आ चुका है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो कॉपी करने के टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ से वो सॉन्ग आपने डाउनलोड किया है स्टेटस वाला, वही से ही आपको कॉपी करना है। तो हाँ मिल गए, ऐसी कभी पहले, हाँ ठीक है ये ऐसी कर लेते। तो पूरा फुल कर लेते जितने भी हो सकते। तो गैस हमने कॉपी कर लिया है, उसके बाद हम चलते डायरेक्ट काइन मास्टर पे। तो हम काइन मास्टर के अंदर आ चुके हैं, उसके बाद हम सर्च कर लेंगे ये वन बाई वन। ओके गैस इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐड आ चुका है अभी, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के बाद हम डायरेक्ट पिक्चर पे जाएंगे, वो जो पिक्चर हमने डाउनलोड किया था हाँ उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड अपर में वो थ्री डॉट है हाँ वहाँ से डबल कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हमने डबल कर लिया, उसके बाद हम क्रॉप करेंगे। ये देखो हाँ क्रॉप हो रहा है। क्रॉप होने के बाद इसको हम बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद हम अब जितने टाइम के लिए स्टेटस तैयार करना चाहते हो उतने टाइम के लिए ही कर दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। रुको पहले गाइस, मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। हाँ हो चुका है, उसके बाद हम इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो मैं 11 सेकंड के लिए करूँगा। तो ये देखो गाइस, और थोड़ा थोड़ा करके हम 11 सेकंड के लिए कर देंगे। उसके बाद नीचे वाला को भी हम 11 सेकंड के लिए कर देंगे, क्योंकि दोनों को सेम ही करना पड़ेगा। वो बैकग्राउंड में है पर वो नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो हमारा पिक्चर सिलेक्ट हो चुके, उसके बाद हम वो सॉन्ग ले लेंगे। सॉन्ग भी ले लिया है हमने, सॉन्ग को हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम लिरिक्स को पेस्ट कर देंगे यहाँ पर जिसको हमने कॉपी किया था, और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे और प्ले करके देखेंगे। हाँ ठीक है, और लेटर बाय लेटर हम कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको स्लो कर देंगे इस साइड पे। तो स्लो कर दिया मैंने। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसी को रखता हूँ, उसके बाद कभी पहले से उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो कट करने के बाद हम फिर से और एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार प्ले करके देखता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो गैस ऐसे करके आपको पूरा फुल सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो गैस, तो वह सबको ऐड करने के बाद हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे जहाँ पर हम एक एक वर्ड को ठीक से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का ले लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद इसको भी मैं रिमूव कर दूँगा। तो देखो गाइस, सबको सही पोजीशन पे सेट करने के बाद हम कलर चेंज करेंगे। तो मैंने एक कलर चेंज कर लिया है, उसके बाद कैसे करता हूँ दिखो गाइस। तो ऐसे ही करके आपको पूरा फुल सबका कलर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कलर चेंज करना तो मत कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमने वो जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड लिया था उसको भी रिमूव कर दिया है मैंने, और एक बार देख लेंगे सबको कि एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है कि नहीं। तो पहले थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेता हूँ, सबको स्क्रीन पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन पे कर रहा हूँ। तो सबको कर देने के बाद तो देखो मेरा पूरा फुल कर दिया है। तो रुको गाइज, अभी पूरा फुल नहीं हुआ है, फिर से हमको यू कट में जाना पड़ेगा, इफेक्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ये
तैयार हो जाएगा। ठीक है, कट पे मैं आ चुका हूँ। उसके बाद वो फीटो लेना पड़ेगा, ले लिया है। और हाँ, आप लोग सोचते हो कि मैं वाटरमार्क कैसे रिमूव करता हूँ, तो यू कट आने के बाद वो वीडियो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से क्रॉप पे जाएंगे, क्रॉप पे जाने के बाद ये वाला सिलेक्ट करेंगे, टाइप से सेट करना पड़ेगा। तो सेट हमारा हो चुका है। और एक बार देख लो गाइस, ये देखो इसको फाइनल टच देते हैं। ठीक है, तो गाइस फाइनल एडिट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, पर मैं आपको फास्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता है। ठीक है, तो गाइस एडिट आपको कैसा लगा है जरूर बताना, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतने ही, आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके बाय गाइस।